नमस्कार, मेरा नाम अमित गुप्ता है, मैं राइटर हूँ। अभी रिसेंटली एक फिल्म रिलीज होने वाली है, रिसेंटली विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, तो उसका ट्रेलर 12 सितंबर को रिलीज़ हुआ था। मैंने 2-3 दिन बाद देखा उसका ट्रेलर देखा, तो ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये पूरी की पूरी 100% इन्होंने मेरी एक स्टोरी है जिसको मैं एज ए राइटर डायरेक्टर करने वाला था, तो उसको इन्होंने पूरी कॉपी किया हुआ। तो उसके बाद मैं राइटर एसोसिएशन गया, तो एसोसिएशन वालों ने कहा कि जब तक हम फिल्म देखेंगे नहीं तब तक से हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि मतलब रिलीज़ के बाद आप क्या कर लेंगे, तो उन्होंने कहा मुझसे कि सर आपको अगर कुछ करना है तो आपको लीगल करना होगा। तो उसके बाद मैंने लीगल नोटिस भेजा सारे प्रोड्यूसर्स को, जिसमें भूषण कुमार जी, किशन कुमार जी, एकता कपूर और शोभा कपूर जी, विपुल डीशा, राज शंडलिया जी, मतलब बहुत सारे नाम हैं, 9 बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जिनको मैंने लीगल नोटिस भेजा। उसके बाद उनका जो जवाब आया कि हमारा ये पहले से रजिस्टर्ड है, 27 अक्टूबर 2015 में उनका रजिस्ट्रेशन उन्होंने शो किया मेरे नोटिस के जवाब में, और मेरा जो रजिस्ट्रेशन है उनसे बहुत पहले का है। तो बस मैं इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ और मैं लीगल जा रहा हूँ। अब देखते हैं कि माननीय मतलब जो कानून है, कानून व्यवस्था है, वो कहाँ तक हमारी हेल्प करता है। मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म पे स्टे लिया जाए, ऐसा मैं गुजारिश करता हूँ। और अब तो मीडिया है, समाज के चौथे स्तंभ हैं, आप मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार। आपका कंटेंट है ना, तो आप बोलिए। मुझे हमारे एसोसिएशन पे, फेडरेशन पे, प्रोड्यूसर एसोसिएशन, जितने भी हमारे बॉलीवुड में एसोसिएशंस हैं, उन सबसे विनती है कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए, क्योंकि एक अच्छा कंटेंट लिखने में बहुत समय लग जाता है, बहुत मुश्किल से एक अच्छा कंटेंट बनता है, और अच्छी स्टोरी लिखने पे, क्योंकि बिना स्टोरी के आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक ऐसे लैंड की तरह है कि आपके पास अगर ज़मीन है तभी आप उस पर घर बना सकते हैं, उस पर आप बंगला बना सकते हैं, पैलेस बना सकते हैं, टावर बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़मीन चाहिए, और ज़मीन होती है स्टोरी। बड़ी से बड़ी फिल्म बिना स्टोरी की नहीं बनाई जा सकती, और एक अच्छी स्टोरी जो है वो एक अच्छी फिल्म बनाती है, ऐसा हमारे जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, जो मेकर्स हैं, वो अच्छी तरह से समझते हैं। मैं कानून व्यवस्था से गुजारिश करता हूँ, मेरी बात को समझिए। मुझे इस फिल्म में एज ए राइटर मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि ये मेरी चीज़ चोरी हुई है, और एसोसिएशन अगर बनाई गई है तो एसोसिएशन से मेरी गुजारिश है कि वो मुझे न्याय दिलाए, क्योंकि हम बहुत भरोसा करके हम एसोसिएशन में जाके हम अपना स्टोरी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेट कराते हैं, और उसके बाद भी अगर एसोसिएशन की तरफ से हमें न्याय ना मिले तो बहुत हमारे लिए दुखद बात है, क्योंकि ये तो एक वैसी ही बात है जिस पर आप भरोसा करते हैं, वही आपको न्याय दिलाने में ना मदद करे तो तकलीफ़ होती है। और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो कि आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, मैंने कोशिश की है, बिकॉज बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, मुझे नहीं मालूम है मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ,
तो बस इतना ही। अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो अगला कदम क्या होगा आपका? ये बिल्कुल मिलेगा मुझे इंसाफ, क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है जो सदियों से चली आ रही है कि सच्चाई की जीत होती है। मुश्किल बहुत आती है लोगों के साथ, मतलब झूठ बुराई चाहे जितनी भी विशालकाय क्यों ना हो, जीत आखिर में सच्चाई की होती है। और ऐसा मुझे लगता है कि मैं अगर सही हूँ तो मुझे न्याय मिलेगा, और मेरी स्टोरी के हिसाब से मैं बिल्कुल सही हूँ जी। ओके सर, थैंक यू।